नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे कुछ 6-8 महीने बाद मैं बात कर रही हूँ, फरवरी में मिले थे। हाँ जी, काफी कुछ बदल गया। नहीं बदला नहीं, जिंदगी तो बदलाव का नाम है, चल रहा है। लेकिन इस बदलाव में, जिसे कहते हैं, अरविंद जी कह रहे हैं लोग कि आपकी पार्टी जो किसी एक टाइम पर जिसने देश की राजनीति में भूचाल कर दिया था, राजनीति को ही जिसे कहते हैं अपसाइड डाउन कर दिया था, उसमें खुद भूचाल आ गया, ये क्या? आता रहता है जिंदगी में, भूचाल आता है, पार्टी में भूचाल आता है, सब जगह भूचाल आता है। नहीं, लेकिन इससे अरविंद केजरीवाल इस भूचाल से कैसे, इससे कैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है आप इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि हमारी पार्टी के अंदर एक दो सीनियर लोगों ने कुछ प्रश्न उठाए, तो वो तो उठाने भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और उनको अंदर नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, उस पर चर्चा भी हुई, उन प्रश्नों को दरकिनार नहीं किया गया। जैसे अन्य पार्टी में होता है कि अगर कोई भी लीडरशिप के खिलाफ प्रश्न उठाता है तो उसको निकाल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। उन पर सब पे चर्चा हुई और सब लोग साथ हैं। लेकिन अरविंद जी, अगर आप देखिए तो जिस नई राजनीति की शुरुआत आपने की, देश जो है वो करप्शन के खिलाफ या सिस्टम में जो गंदगी आ गई थी उसके खिलाफ त्राहीमाम, जिसे कह सकते हैं, मचा पड़ा था, उसको साफ करने की आपने कोशिश की, उसको आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, नारा बुलंद किया, लेकिन उसके बावजूद जिसे कहते हैं कि बीज तो आपने बोए और फसल जो है वो नरेंद्र मोदी काट के ले गए। बहुत इंटरेस्टिंग आप बोल रहे हैं। देखिए, हमने इस देश की राजनीति के अंदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स को तो बदला है, हमारा जो घोर विरोधी है वो भी इस बात को मानता है। संसद के अंदर कई भ्रष्ट और दागी लोग बैठे हैं, इस मुद्दे को हमने उठाया, बड़े जोर शोर से उठाया। आज भाजपा की जो नई सरकार है वो इसको बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि जो दागी लोग हैं उनको निकाला जाएगा, बोल रहे हैं, करेंगे तो अच्छे। अब जैसे कल शायद दो केंद्रीय मंत्री या एक केंद्रीय मंत्री के रेप के खिलाफ तो निकालना चाहिए उनको। उसी तरह से जो भ्रष्ट लोग हैं, बात तो शुरू हुई, चर्चा तो शुरू हुई। आपके पास वो सारी चीज़ें हो, जैसे पैसा हो, लोग हो, कार्यकर्ता हो, जोश हो, ये सब कुछ हो, ये आम आदमी पार्टी में ये सब कुछ था आज जब दिल्ली का चुनाव था। पैसा कहाँ था? जो भी था, लोगों का एक सपोर्ट था, 18 करोड़ रुपए थे, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट था वो लोगों का था। जब आप पार्लियामेंट के, विधानसभा के चुनाव के वक्त में आम आदमी पार्टी का डंका, जिसे कहते हैं, वो बज रहा था, आप लोकसभा चुनाव पे गए, तो कह सकते कि अर्श से फर्श पर गिरे? नहीं, मुझे नहीं लगता। पहली चीज़ तो ये कि आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा था, ये आप लोग चुनाव के पहले नहीं दिखा रहे थे, चुनाव के बाद डंका दिखाना चालू किया आप लोगों ने। चुनाव के पहले तो कह रहे थे 3 सीट आएंगी, 4 सीट आएंगी। खैर, हमारा एग्जिट पोल कुछ और कह रहा था। अच्छा जी, वो आप ही वाला था, हमारा ही एग्जिट पोल था जो सच निकला था। ठीक है, बहुत अच्छा, बधाई आपको इसके लिए। लोकसभा चुनाव को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी बड़ी पार्टियां जो इतने इतने सालों की पार्टियां थी, कांग्रेस लगभग वॉश आउट, ऐसे में अगर एक नई पार्टी आके 4 सीट लेती है, नंबर एक, नंबर दो, दिल्ली के अंदर इतनी आंधी के अगेंस्ट अगर वोट शेयर बढ़ता है, 29 से 34% होता है, 5% वोट शेयर बढ़ता है, और सारी दिल्ली की विधानसभाओं में नंबर टू पे रहते हैं विद अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ वोट्स, मतलब एक हमारी कार्य वो जो हैं उसको 5.5 लाख वोट मिले हैं, कभी सुना नहीं कि उसके बाद भी हार जाएं राखी बिरला। तो मेरा ये मानना है कि इसको आप हार से नंबर ऑफ सीट्स की भी, 4 सीट आई, मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है।